साडे नाल ने राधे रानी महिला मंडल के प्रधान की नाम है जी किरण गर्ग किरण गगर जी अज जो जमाल वाले संतां वालों गौशाला विखे महागीता ज्ञान जग का प्रसारण किया जा रहा आयोजन किया जा रहा उसके समक्ष अज तुहाडे मंडल वालों शोभा यात्रा दे विच कलश यात्रा का आयोजन किया गया तुहाडा की कहना है बहुत वधिया लग रहा जी ये असीं इस चीज़ के बहुत आभारी हाँ गौशाला कमेटी के जिन्होंने कि सानू यह सेवा का मौका दिता राधे राधे महिला मंडल सारी उन्हों का स्वागत करती है संतों का स्वागत करती है तुहाडी जो महिला मंडल है इस कलश यात्रा तो इलावा समाज दे विच होर की काम करदी है समाज दे विच असीं धर्म दा रुपया धर्म ते लगाने आ दुखियां दा दुखियां नूं जो भी कोई हैल्प दी जरूरत है असीं सब दी हैल्प करदे आ जिथे भी किते जरूरत पैंदी है कोई भुखे नूं अन्न दी जरूरत पैंदी है असीं अन्न भी दिंदे आ नहीं राधे रानी जो है राधे राधे महिला मंडल हाँ जी हर तुसी एदे समक्ष कोई अपना भजन मंडली भजन भी जो हाँ जी हाँ जी हर कीर्तन वगैरह हाँ जी हर शनिवार कीर्तन होंदा जी इत्थे ही गौशाला मंदिर दे विच ते जे कोई बुकिंग दा कोई सुंदरकांड करवांदा कोई माता दा करवांदा कोई राधा कृष्ण दा कोई कीर्तन करने आ असीं उह भी अगले दे घर भी कीर्तन करदे आ जी जाके तुहाडे मंडल वल्लों लगातार 6 दिन हुण इत्थे तुहाडे सारे सदस्य वल्लों हाजरी लवाई जाए हाँ जी पूरा सहयोग इस तो बिना साडा सारे समाज नूं है कि असीं हरी नाम नाल जोड़िए हरी नाम नाल जोड़ के आत्म ज्ञान हुंदा है ब्रह्म दा ज्ञान हुंदा है इहदे नाल जदों आत्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म दा भी ज्ञान होगा भागवत ही उसका एक जरिया है श्रीमद भागवत महापुराण कि उसका एक जरिया है कि ठाकुर जी दे नाल जुड़न दा आत्मा दे परमात्मा नाल संबंध दा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਉਪਮਾ ਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੀ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ
शुरुआत दे विच कलश यात्रा नूं बहुत शुभ मन्या जांदा है, इस करके ठाकर दे चरणां दे विच। बिल्कुल वधिया गल है, क्योंकि साडे समाज दी लेडीज़ नूं जो काम करदे ने उन्हां बारे जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर सानूं जानकारी नहीं तां ओह काम करन विच कोई करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब नाल। जिन्ना चिर सानू जानकारी तो बिना असं कोई काम करते हैं तो अनजान होता है। सानू बहुत खुशी है कि मानसा दी लेडीज़ बड़िया अवेयर लेडीज़ ने जिन्हों इस कलश की पूरी महत्ता पता है। MM न्यूज़ मानसा नाल गल करनी, तुहाडा धन्नवाद। हुण साडे नाल ने स्वामी राम तीरथ जी जमाल वाले, जो मानसा विखे दूजी बार गौशाला दे विच मद भागवत यज्ञ गीता ज्ञान यज्ञ करन आए हुए ने। आओ गल करते हैं स्वामी जी नाल। स्वामी जी, MM न्यूज़ मानसा ते तुहाडा स्वागत है सर जी। तुसी मानसा दे विच सर दूसरी बार मद भागवत जो गीता ज्ञान महायज्ञ है उसनू लोगों के सन्मुख करन आए हो, तुहाडा सर मानसा बारे ते इस यज्ञ बारे की कहना है? मानसा दे विच असीं पहलां भी आ चुके हैं दो बार, बड़ी ही अच्छे लोग ने, बड़ी अच्छी संगत है, लोग बड़े प्रेम दे नाल भगवान श्री कृष्ण दी सुंदर गाथा नूं सुनदे ने, बड़ा अच्छा लगता इत्थे आ के। तो श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ इस गौशाला दे मंदिर दे विच होण जा रहा अज तो, जिस दी टाइमिंग शाम नूं 3 to 6 है। तो संगत मानसा दे लोग नेक भगती वाले और सेवा वाले ने, सो सारयां नूं आग्रह करूँगा कि टाइमली सत्संग विच आओ और श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ दा आनंद उठाओ, जीवन नूं सफल करो। जय श्री कृष्ण। सर अज इस कथा दा प्रारंभ किया जा रहा, आरंभ हो रहा है, और अज तुहाने समक्ष विच एक शोभा यात्रा ते कलश यात्रा शहर दे विच दी कढ़ी है। सर जो कलश यात्रा है इसका की महत्व है? सर मंगल कलश यात्रा है। मंगल कलश यात्रा मतलब समाज दा मंगल हो, समाज दे विच सात्विक भाव पैदा हो और समाज एकत्रित होवे, ईर्षा द्वेष नफरत तो बचे, तो मंगल कलश यात्रा इसलिए कढ़ी जाती है क्योंकि यह मंगल जो है प्रथम दिन पूरे शहर दे विच इसलिए फेरिया जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सर्वहितकारी कथा है, इसलिए यह मंगल यात्रा है। तुहाडे कहण दा मतलब है एक संदेश दिता जा रहा है पूरे इलाके विच कि अज तो मद भागवत गीता ज्ञान यज्ञ शुरू हो रहा है, उसनूं श्रवण करन लई गौशाला भवन जां जिथे भी किते हो रहा उत्थे आया जाए। जी जी जी, सारयां नूं निमंत्रण दिता जांदा मंगल कलश यात्रा दे नाल, सारे समाज नूं सब नूं इनवाइट किया जाता है। इसलिए सर ये भी प्रथा है कि इस कलश के उपर कुछ तोता वगैरह बन्ने जाते हैं, उसकी महत्ता है कि जिस जिन्हें दिन जो यज्ञ चलती है कथा चलती है उन्होंने उत्थे विराजमान किया जाता है, तो उस तो बाद उस तोता या कुछ भी पक्षी जो उन्हें विराजमान किए जाए गागर के उत्ते घर लेके जाते उन्हें शुभ मनिया जाता है। एक्चुअली दे विच इहदी सच्चाई की है कि सुखदेव मुनि ने जी जिन्होंने कथा सुनाई सी महाराज परीक्षित नूं, तो सुखदेव मुनि तोते दे रूप विच सन जिन्हां ने अमर कथा सुनी सी पूर्व जन्म दे विच, बस बाद दे विच ओह शुक संत दे रूप विच प्रगट होए ने, तो इसलिए इस शुक उन्हां दा पूर्व जन्म दा रूप सी, इस लई ओह तोते दा रूप जो है शुक दा रूप जो है श्रीमद भागवत कथा विच रख्या जांदा है। घर ले जाण दा मतलब है कि ओह शुक जिसने अमर कथा सुनी सी पर अपने जीवन नूं सफल बनाया, तो घर ले जाण दा मतलब है कि वह घर जाएगा तो साडे जीवन दे विच भी सुंदर सात्विक भाव पैदा होणगे। महाराज की महत्व है कि इस कलश यात्रा विच सिर्फ जो लेडीज़ ही भाग लैंदियां, कि कोई आम बंदा जो मर्द दे रूप विच है वह भी कलश यात्रा विच भाग ले सकदा? कलश चक्कण दे लई तां केवल सुहागिन स्त्रियां ही अगे आउंदियां, बाकी सेवा दे विच तां जिन्ने भी लोग साडे भाई बंधु ने आ सकदे ने। मतलब ये प्रथा है भी जो ग्रहणियां ने औरतां ने उही कलश यात्रा सर दे उत्ते सुहागिन औरतां जी। MM न्यूज़ नाल गल करन लई महाराज तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुहाडा भी धन्नवाद। हुण साडे नाल ने गौशाला मंदिर सुधार कमेटी दे प्रधान जतेंद्र जी। जतेंद्र जी, अज तुहाडे वल्लों गौशाला विखे जो मंदिर स्थित है उस विच जमाल वाले संतां वल्लों गीता प्राण महायज्ञ दा आयोजन किया गया जिसका प्रथम दिन है, तुहाडा की कहना है? गौशाला कमेटी दी हर साल इच्छा हुंदी है इस सप्ताह का पाठ लाजमी कराया जाए, लेकिन करोना की वजह नाल ऐसी 2020 'ਚ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਪਤਾਹ ਸ਼ਰਾਧਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
यह किसी बिरले में ही मौका मिलता है इस किसी की कथा का संबंध है। मैं तो बहुत खुश समझदा है मानसा शहर के लोग सारी कमेटी के मैंबर लेडीज राधा कृष्ण मंदिर सनातन मंदिर होर जिन्हें भी संस्थावान ने सबनों मौका मिल। हुण साडे नाल ने गऊशाला कमेटी के साबका प्रधान मोना जी, पेस्टिसाइड यूनियन के प्रधान भीम सैन जी, सनातन धर्म सभा के प्रधान समीर छाबड़ा और साडे समाज के उगे समाज सेवी भोला रे वाले जी, अज समुचे समाज सेविया तो आपां पुछदे हां कि जो गऊशाला दे विच मध भागवत गीता जग का आयोजन किया जा रहा है जमाल वाले संतां वल्लों, तुहाडा इस बारे की कहना है? मैं सारे शहर वासी भीरां नूं दसना चाहुंदा, बेनती करदा कि यह जो जग गऊशाला मंदिर सुधार कमेटी वल्लों आयोजित किया जा रहा है, साडा इक्को ही मकसद है कि यह गऊशाला भवन सारे शहर की सांझी है, सारे शहर वासियां दी है। इत्थे मध भगवत गीता का महान जग करवाने का मकसद साडे शहर दे विच अमन शांति रहे, सुख शांति रहे, असी जिन्ने व्यापारी वर्ग हाँ गौ माता की कृपा नाल चढ़दी कला दे विच रहिए। साडा मेन मकसद यही है साडे शहर दे विच पूरी सुख शांति रहे, किसी किसी व्यापारी नूं, किसी भी कोई दुकानदार नूं, किसी भी किसान भरा नूं कोई दुख तकलीफ ना होवे, क्योंकि यह गौशाला सारे शहर की सांझी है, सारे शहर के सहयोग नाल ही चलाई जा रही। साडी जानकारी मुताबक अज सनातन धर्म सभा वालों अहम भूमिका निभाई गई है जो इस जग दे लई शोभा यात्रा ते कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, तुहाडा इस बारे की कहना सर? श्री सनातन धर्म सभा वालों जिहड़ा अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर है उहदे विचों इह कलश यात्रा शुरू की गई सी। गऊशाला दे विच जो सारे शहर की साझी संस्था है उहदे वालों इत्थे भागवत कथा का गुणगान किया जा रहा है। कलयुग दे विच श्री कृष्ण जी ने कहा सी कलयुग दे विच जे कोई ज्ञानदायनी रहूगा तो वह मत भागवत गीता रहूगी। असी इस दा आयोजन तां करदे हां जो साडा पंजाब है पंजाब दे विच अतवाद खत्म होवे, शांति आवे, भाईचारा बनिया रहे, सारे पंजाब नूं ते हिंदुस्तान नूं प्रभु दीआं जिहड़ियां शक्तियां उहदा गुणगान करिए ते प्रभु दा आशीर्वाद सानूं प्राप्त होवे। मेरी जानकारी मुताबक मोना जी तुहाडी रहनुमाई विच भी पहला मध भागवत गीता ज्ञान महाजग करवाया गया सीगा जो तुसी प्रधान सी, परंतु हुण भी तुहाडियां सेवावां कंटिन्यू गऊशाला नूं दित्तियां जा रही हैं। इस महाजग बारे करोना काल तो बाद दोबारा दो साल बाद जो समाजिक इकट्ठ ने दोबारा होण लगे ने, तुहाडा इस बारे की कहना? गल इह है वी जिहड़ा गऊशाला दी धरती ते इस पवित्र ते ये भागवत कोई करम वाला ही सुन सकता तो कोई करम वाली कमेटी करवा सकती है। ये शहर लई बहुत वड्डी खुशी की गल है भी ये गऊशाला कमेटी आए साल भागवत की कथा करवाउंदी है, भी इस धरती ते पवित्र ते गऊशाला दी सप्ताह होनी बहुत वड्डी गल है। तुहाडे वल्लों समूह शहर वासियां नूं की संदेश है? भी ये भागवत कथा सारी सुनो ते योगदान पाओ जिन्ना हो सकता, सारी शहर नाल ही ये मतलब चलूगा काम। बिल्कुल बिल्कुल, समुचे निवासियों का कहना है कि समुचे शहर वासियों नूं अपील की जाती है कि इस महायज्ञ दे विच गीता जो कथा वार्ता हो रही है उसनूं सुनन लई जरूर आउण तां जो साडे समाज दे विच शांति अते भाईचारक सांझ कायम रह सके। मैं जीवन मीरपुरिया, MM न्यूज़ मानसा।